Good morning, class. Today we are going to discuss with a new topic, binding energy. And the binding energy of the nucleus that leads to that is because of the mass defect. Now, what is mass defect? Let's start with the first topic. Mass defect. Represented by del m. So, mass defect ke baare mein beta agar hum baat kar rahe hain, to dekhiye. It is observed, generally it is observed that कि जो mass of the nucleus है और individual nucleon से अगर हम mass of nucleus निकालें, देखिए one term is mass of the nucleus means suppose mn is the mass of nucleus, right? ये आपको given है mn. और secondly आपके पास nucleons का mass different given है and you know what are the number of protons present in nucleus, and secondly you know the number of neutrons present in nucleus, right? तो अगर ये चीजें आपको पता है, so these are the masses. Number आपको पता है, तो total mass of the nucleus can easily be determined. राइट नंबर पता है इनके, तो हम टोटल मास हम लिख सकते हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस हम एक तरफ लिखे कि भैया मास ऑफ टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या है mn. इंडिविजुअल पार्टिकल से हम अगर इसको निकालते हैं तो z टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी क्या होना चाहिए, इसी के बराबर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट मास हमने जो निकाला है ये स्लाइटली ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन टू द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस. या सो दैट इज द डिफरेंस इन द मास एंड दैट लीड्स टू मास डिफेक्ट. सो मास डिफेक्ट कैन बी रिटन एज मास डिफेक्ट इज टोटल मींस जेड टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. और अगर हम इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो आपके पास जो टर्म बनेगी मास डिफेक्ट बनेगी. डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा हमने आपको नेक्स्ट टॉपिक बताया कि बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है बेटा द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दिस मास डिफेक्ट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. और हम ऐसे भी कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय विच न्यूक्लियॉन्स आर बाइंड टुगेदर. या हम ऐसा भी कह सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. और द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द मास डिफेक्ट फ्रॉम आइंस्टीन्स इक्वेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर दैट एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. तो बाइंडिंग एनर्जी हम लिखते हैं यहाँ पर बेटा बाइंडिंग एनर्जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा डेल एम मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर. यस दिस इज द फॉर्मूला मीन्स जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस एंड मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर. दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी. इफ मासेस आर गिवन इन किलोग्राम इन केजी यू विल मल्टीप्लाई विद इट सी स्क्वायर. और इफ मासेस आर नॉट देयर हम यहीं पर लिख देते हैं और डेल एम इज इक्वल टू सॉरी बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल एम मल्टीप्लाई बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ मासेस आर इन एटॉमिक मास यूनिट. यहां पर क्या है मासेस किसमें है किलोग्राम में है, आंसर आपका आएगा जूल में. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस बेसिकली. लेट्स हैव मोर डिस्कशन ऑन बाइंडिंग एनर्जी एंड दिस इज द सिंपल फार्मूला. इफ वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द एटम, सपोज इन मैनी केसेज मास ऑफ द न्यूक्लियस इज नॉट गिवन, सो इन दैट केस वी आर गिवन विद टोटल मास ऑफ द एटम, देन हाउ डू वी सॉल्व इट. ठीक है, सो लेट अस हैव अ लुक. लेट्स हैव अ लुक मींस बाइंडिंग एनर्जी
हमने अभी लिखी आपके पास बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का जो सिंपल फॉर्मूला हमने अभी लिखा दैट वाज आवर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर डेल एम वाज जेड टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन राइट एंड प्लस माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड दिस होल टर्म मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर वाज द बाइंडिंग एनर्जी। ओके नाउ इफ न्यूक्लियस का मास नहीं दिया हुआ है आपको टोटल मास ऑफ द एटम दिया हुआ है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सी। अगर हम बात करें कोई भी एटम हमारे पास ये एक्स है इसका एटॉमिक नंबर ए है जेड है और मास नंबर ए है तो इस कंप्लीट एटम का जो मास है वो हम अगर एम से रिप्रेजेंट करें पूरा सिंबल ही हम मास ऑफ द एटम के लिए यूज कर रहे हैं सो दैट इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस जेड टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस हो गया और ये उसके बाहर की एंटिटी हो गई इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल नंबर ऑफ उनका मासेस हो गया इलेक्ट्रॉन का मास प्लस न्यूक्लियस का मास विल बी इक्वल टू मास ऑफ द एटम। एंड इफ वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू हाइड्रोजन सो अगर हम बात करें मास ऑफ हाइड्रोजन एटम तो उसको बेटा हम लिख सकते हैं मास ऑफ उसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम उसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं न्यूक्लियस का मास किसके करस्पॉन्डिंग होगा ओनली वन प्रोटॉन इज देयर तो मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होगा तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिस इज ऑल्सो द रिजल्ट दैट वी विल यूज इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन सेट इज इक्वेशन नंबर वन सेट इज इक्वेशन नंबर टू। ओके नाउ कम टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन कुछ यहाँ पर हम चेंजेस करते हैं जैसे जेड एम पी हमने क्या किया यहाँ पर हमने क्या किया बेटा जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड किया अभी देखेंगे आप प्लस ए माइनस जेड एम मास ऑफ न्यूक्लियस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स और हमने जेड ई को सब्ट्रैक्ट कर दिया जेड एम ई कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस राइट इनटू सी स्क्वायर हमने बेटा यहाँ पे क्या किया है हमने एक टर्म जेड एम ई प्लस लिखा और एक टर्म माइनस जेड एम ई लिखा तो इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट ऐसा करने से हम कुछ रिलेशन यहाँ पर बना पाएंगे लाइक जेड हमने कॉमन ले लिया दिस इज मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ से ठीक है उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा बेटा ए माइनस जेड एम एन लिखा और माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से ये लिखा मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस प्लस जेड टाइम्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर लिखा मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ द एटम इन एनी केस राइट तो ये इक्वेशन हम यहाँ पर हम पुट कर ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इसकी तो हमारे पास ये बनेगा बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू यहाँ पर क्या बनेगा ब्रैकेट बेसक आप स्क्वेयर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं ये टर्म हो गई यहाँ पर इस तरह से ऐसे आप यूज कर सकते हैं तो ये आपके पास हो गया बेटा यहाँ पर हो गया जेड टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑब्वियसली नोन प्लस ए माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस ये आपके पास हो गया मास ऑफ एक्स एटम हुज एटॉमिक नंबर इज ए मास नंबर इज एटॉमिक नंबर इज जेड एंड मास नंबर इज ए एंड मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर ये तो आपके साथ होगा ही सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर राइट दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एंड द बेसिक फॉर्मूला जो हम यहाँ पर यूज करते हैं वो तो ये है ही है एक्चुअली आपको जो न्यूमेरिकल्स करने होंगे बेटा बाइंडिंग एनर्जी के लिए तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सिर्फ ये देखना होता है हाउ टू कैलकुलेट डेल एम एनी हाउ इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट डेल एम बाय अप्लाइंग द सिंपल इक्वेशन सो यू आर एबल टू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर मास इफेक्ट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखिएगा क्या होता है बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो लिखा है उसी से क्लियर हो रहा है व्हाट वी आर गोइंग टू डू बेसिकली वी आर राइटिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मींस टोटल बाइंडिंग एनर्जी एंड डिवाइडेड बाय द मास नंबर
will give you binding energy per nucleon, right? And this binding energy per nucleon, इससे हम basically जो stability है atom की stability है nucleus की उसके बारे में हम अंदाजा लगा पाते हैं. एक binding energy per nucleon versus मास नंबर, हमारे पास एक प्लॉट होता है, एक ग्राफ होता है जिसके जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहते हैं. ऑन विच डिफरेंट न्यूक्लियस आर देयर, मीन्स रेंज ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ऑन द ग्राफ एंड द करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑल्सो देयर. सपोज इफ ए सब्सटेंस इज हैविंग लार्जर बाइंड हाई लार्ज अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सो इट विल बी मोर स्टेबल बिकॉज वी नीड टू रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू जस्ट एस्केप टू रिमूव द न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस. जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही उसमें हमें जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से डिपार्ट करने में, राइट. जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी उतना ही अनस्टेबल होगा न्यूक्लियाई, जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी उतना ही स्टेबल होगा. एंड फ्रॉम द ग्राफ एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू. ओके गाइस, नाउ let's start with the binding energy curve on the screen. See a curve that represents the relation between binding energy per nucleon to its mass number is called binding energy curve. Now let's make an analysis of this particular curve. See many elements are represented there. This is hydrogen 2H, 2H, 3H, and this is 2H, 3H. Means isotopes of hydrogen. This is 4 Hg, 6 lithium, 12 carbon, 14 nitrogen, 16 oxygen and 18 oxygen. Means ये भी oxygen के isotopes हैं. Sulfur, then iron, molybdenum, indium and uranium and many more in between, right? So we are just making an analysis of the fact that the binding energy of different nuclei having a wide range of nucleons means mass number कैसे vary करती है वो हम यहाँ पर देखेंगे. See some portions have been marked by dots. जो भी हमने nuclei दिखाए हैं उन पर हमने dot से mark किया हुआ है. इसका मतलब हम यहाँ पर उनको हाईलाइट कर रहे हैं स्पेसिफिकली. इस रेंज में आप देखें तो लाइट न्यूक्लियाई है. इस रेंज में आप देखें ये एक लाइन लगा रखी है हमने. इस रेंज से इधर देखें तो बहुत हैवी न्यूक्लियाई है. लेकिन इन दोनों रेंज के बीच में अगर हम बात करते हैं तो एक स्टेबिलिटी बैंड हमने ऊपर लिखा हुआ है. इसका क्या मतलब है ये भी हम यहाँ पर लिखेंगे. तो सी गाइस, फर्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग फॉर द ग्राफ दैट द रेंज, अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली 30 एटॉमिक मास, मास नंबर 30 से शुरू करते हुए और मास नंबर 130 तक बात करें, मींस 430 लेस देन ए लेस देन 170, मींस मास नंबर जो इस रेंज के हैं उनकी जो एनर्जी है दे आर इन स्टेबिलिटी बैंड हमने लिखा हुआ है. दे आर हैविंग कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. सो ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट है. कांस्टेंट होने का क्या मतलब है हम इसको कैसे समझ सकते हैं? कांस्टेंट होने का बेटा ये मतलब है कि दो देयर इज अ चेंज इन मास नंबर इन दिस पर्टिकुलर रीजन बट द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. देखिएगा बाइंडिंग एनर्जी कैसे हम काउंट करते हैं, कैसे हम देखते हैं. बाइंडिंग एनर्जी के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये होती क्यों है. बेसिकली प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्सेस दैट रिजल्ट्स इनटू बाइंडिंग एनर्जी, राइट. सो अगर हम बात करें और जो न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, हम डिस्कस करेंगे इसको लेटर ऑन. न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स. तो अगर एक न्यूक्लियन है, सपोज इफ यू आर हैविंग इन वन न्यूक्लियन एंड उसके चारों तरफ नेबर में पांच और उसके नेबर न्यूक्लियंस हैं तो वो पांचों को अफेक्ट करेगा. लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी न्यूक्लियन की किसी पर्टिकुलर से तो वहां पर वो रेंज से, न्यूक्लियर फोर्स की रेंज से बाहर चला जाएगा. इसका मतलब वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा. इट मीन्स अगर साइज बड़ा होता जा रहा है एट उसका न्यूक्लियस का साइज अगर बढ़ रहा है विद इंक्रीजिंग मास नंबर तो उसमें जो नंबर ऑफ द न्यूक्लियंस हैं सराउंडिंग अ पर्टिकुलर न्यूक्लियन वो अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट ही होंगे, ठीक है. तो
तो दैट्स वाई यहाँ पर जो एनर्जी रीजन है इस बेल्ट में, एनर्जी रीजन जो ये वाला है हमारा, इसमें जो एनर्जी होती है अप्रॉक्सीमेटली 8.5 to 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर एनर्जी ऑब्जर्व की जाती है। एंड 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इज आयरन 56 एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट स्टेबल इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ठीक है, तो उसके बाद इधर हम बात करें या इधर हम बात करें तो एनर्जी 8.5, 8.1, 8.8 इसी रेंज में लाई करती है एंड दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी दैट वी आर सीइंग फ्रॉम दिस कर्व। सो दीज एलिमेंट्स दो लाइज इन दिस पर्टिकुलर रेंज हैव कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी, कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट स्टेबल, इनको हम कहते हैं मोस्ट स्टेबल, राइट। सेकंड अगर हम बात करें 30 से कम वाले, मीन्स 0 to 20 आप कह सकते हैं, 0 to 30 कह सकते हैं, ठीक है। तो 0 to 20 और 30 वाले जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, और उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी इस पर्टिकुलर 8.8 अगर यहाँ पर है, आप अगर इसका मान 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मार्क अगर करते हैं तो ये 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बाकी इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी, इनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही है। और अगर हम इनकी बात करें लाइक हाइड्रोजन की, इनकी एनर्जी तो बहुत ही कम है, राइट। तो ये एनर्जी कम होने का मतलब क्या है, दैट ए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द न्यूक्लियन फ्रॉम सच न्यूक्लियाई, सो इट मीन्स they are unstable, nucleon can easily be taken out from these nuclei. So the conclusion is, अगर हम बात करें lighter nuclei की, lighter nuclei, ठीक है, like इसके शरीर से पहले वाले अगर हम बात करें, means 0 से लेकर up to 20 हम बात करें या 30 हम बात करें, तो उस रेंज की जो nuclei हैं वो unstable होते हैं, they are unstable, their binding energy per nucleon is less, approximately it is 7, in वालों की बात करें हम यहाँ पर, तो ये होती है 7.5 approximately, और ये 2 mega electron volt, 3 mega electron volt तक binding energy per nucleon यहाँ पर होती है, ठीक है। so binding energy is less, it means they are unstable, and unstable है, so they have the tendency to combine with other light nuclei and to become a member of this particular category. तो इसका मतलब जो न्यूक्लियर फ्यूजन आपने पढ़ा होगा बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं टू मेक अ हैवियर न्यूक्लियाई, और उसमें क्या होता है, ए ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दैट एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू द स्टेबिलिटी, मींस ये जो लाइट न्यूक्लियाई हैं वो कंबाइन होकर हैवी बनाएंगे और एक स्टेबल न्यूक्लियाई बनना चाहेंगे, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट लीड्स टू द एनर्जी इन ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, राइट। तो इस तरह की जो न्यूक्लियाई हैं, जो हमने कहा लाइट न्यूक्लियाई, दे लीड्स टू न्यूक्लियर फ्यूजन लाइक रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, दैट वॉज द कंक्लूजन। एंड अगर हम बात करें बेटा हैवियर न्यूक्लियाई की, हैवियर न्यूक्लियाई लाइक आपके पास यूरेनियम है, जैसे हम बात करें यूरेनियम 238 की अगर हम बात करते हैं, सो सच न्यूक्लियाई जो हमने यहाँ पर लगाया है कि इससे घर वाले अनस्टेबल हैं, सच न्यूक्लियाई will tends to break themselves, means इनका nuclear fission होगा, और fission होकर they have the tendency to be a part of this most stability belt. So ये fission होगा, जैसे ये आपका जो uranium है ये barium and krypton में break होता है and tremendous amount of energy release करता है, तो that leads to stability. Again there is a release of energy when such nuclei, heavy nuclei will break into lighter nuclei to achieve stability, and that is the importance of binding energy curve. हमने यहाँ पर लिखा है ये भी unstable होते हैं, these are also unstable, binding energy per nucleon इनका भी less होता है, so they leads to nuclear fission reaction. Leads to
न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन मीन्स यहाँ पर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन होता है लाइट न्यूक्लियस का, यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन होता है, ब्रेकिंग होती है हैवियर न्यूक्लियस की लाइट न्यूक्लियस में. तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. लेट्स रिवाइज द कंसेप्ट अगेन. देखिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व इज द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद द मास नंबर. सो देर आर सम लाइटर न्यूक्लियस विच आर बाइंडिंग एनर्जी विच आर लेस बाइंडिंग एनर्जी आर लेस स्टेबल. सो दे हैव द टेंडेंसी टू कंबाइन एंड टू रीच इनटू स्टेबिलिटी बेल्ट. सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दैट लीड्स टू अनस्टेबिलिटी ठीक है. दूसरा और दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. सिमिलरली इन द बैट 32-170 द न्यूक्लियस आर मोस्ट स्टेबल. उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा होती है. इट इज अप्रॉक्सीमेटली 8.88 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर आयरन और 8.5 इनके जो नेबर्स होते हैं इतनी एनर्जी रखते हैं अप्रॉक्सीमेटली. If you talk about uranium, that has the energy of 7.5 mega electron volt. It is a heavier nuclei and unstable one because binding energy is kam hoti hai. So ye nuclei kya karega? It will break into smaller nuclei, disintegrate hoga. Nuclear fission reaction mein yahi hota hai. That leads to nuclear fission reaction. So ye jo nuclei hai, they have the tendency to disintegrate themselves into lighter nuclei and to be a part of stability belt. So that leads to means this is how a binding energy curve explain the stability of the nuclei and according to their binding energy per nucleon. I hope कि आपको ये curve समझ में आया होगा. आप इसके importance लिख सकते हैं, significance लिख सकते हैं. We are having a numerical problem on the screen. That calculate the binding energy of the nitrogen nucleus. That is question number 10.3 of NCERT. So in this question, what is given that the mass of the nitrogen is given, and then mass of the nucleus is given, neutron is given, electron is given, and proton is given, right? So according to this nuclei, nitrogen है तो 7 proton होंगे और 7 neutrons होंगे. एक प्रोटॉन का मास पता है 7 प्रोटॉन्स का निकाल सकते हैं. एक न्यूट्रॉन का मास पता है 7 न्यूट्रॉन्स का हम कैलकुलेट कर सकते हैं. और अगर हम टोटल कर देंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस का मास आ जाएगा, मींस मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा. और ऑलरेडी मास ऑफ न्यूक्लियस आपको एक गिवन है. दोनों में जो डिफरेंस होगा दैट विल लीड्स टू डेल्टा एम, और उसके अकॉर्डिंग आप एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे. सो यहां पर हमने किया है मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन. ये हमें गिवन है न्यूट्रॉन का मास, ये हमने यहाँ पर पुट किया 7 मल्टीप्लाई बाय दिस पर्टिकुलर वैल्यू. देन मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 7 इनटू में दिस पर्टिकुलर डेटा एंड दिस इज योर आंसर. उसके बाद टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस हम यहाँ पर बताते हैं. दोनों को ऐड कर दिया भैया. दोनों को ऐड करने के बाद देखिएगा यहाँ पर एक जीरो आती है, 5 5 10 होगा. उसके बाद हमने इसको राउंड ऑफ किया है. एक्चुअली जीरो आने के बाद हमने इसको राउंड ऑफ किया है. तो ये डेटा हमने 5 डिजिट्स में इसलिए लिया है डेसिमल के बाद 5 डेसिमल प्लेसेस तक, क्योंकि जो मास है हमें नाइट्रोजन का न्यूक्लियस का वो 5 डेसिमल प्लेसेस तक ही दिया हुआ है. ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अप्रोक्सीमेशन में डेसिमल के बाद ही कुछ चेंजेस आएंगे, वो आप कंसिडर कर सकते हैं. ये हमने कैलकुलेट कर लिया. मास ऑफ न्यूक्लियस हमें ऑलरेडी गिवन है 14.00307 के यहाँ पर हमें गिवन है. ओके, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डायलम आ जाएगा. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करेंगे तो डायलम मल्टीप्लाई बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये एटॉमिक मास यूनिट में गिवन है. दैट्स व्हाई वी हैव अप्लाइड 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन दिस पर्टिकुलर. तो यहां पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया और ये आंसर आपके पास आ गया 104.66334 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इस तरह से हम बाइंडिंग एनर्जी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं. क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि पर्टिकुलर न्यूक्लियस क्या है, उसमें उसका मास क्या है, न्यूक्लियस के मास ऑलरेडी आप जानते हैं इंडिविजुअल के, और फिर आपको टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस निकालना है, गिवन मास को सेपरेट करना है, डेलम कैलकुलेट करेंगे, और केजी में है तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट में है तो आप इसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास बाइंडिंग एनर्जी का आंसर होगा. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछता है तो दिस पर्टिकुलर बाइंडिंग एनर्जी विल बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस 14. तो दिस पर्टिकुलर आंसर इफ डिवाइडेड बाय 14 विल रिजल्ट इनटू बाइंडिंग एनर्जी पर
न्यूक्लियॉन. सो आई होप कि आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर करेंगे. थैंक यू वेरी मच.